बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुनी महारानी की जय, जगतगुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय, रज रानी की जय, रस रानी की जय, राधा रमण लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, गिरधर लाल प्यारे की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने से और इसकी विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद से कहा वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था, तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरक गामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानदाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात और पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार के धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है, इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चला। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके आप मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकता है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरअपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा सरल उपाय बताइए।
तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है, देवशयनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे इस राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत सभी लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश हो जाते हैं। यदि आप देवशयनी एकादशी के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा देवशयनी एकादशी पारणा के निमित्त, व्रत पारणा के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा हमें प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि प्रदान करके देवशयनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।